वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोरोना वायरस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, सो हमने पिछली बार भी बहुत सारे डिस्कस किए थे और अब फिर आपके लिए नए लेकर आए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वह लोग जिनमें किसी रोग के कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एसिम्प्टोमेटिक, अनसिम्प्टोमेटिक, अनसिम्प्टोमेटिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सो गाइज, आपने ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप, राइट। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, इन तीनों में से तुम बोलते नहीं है। ठीक है, ये तो कुछ और ही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। और गाइज, मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगा आज, कोरोना वायरस का पूरा डिटेल। ठीक है, हाँ, पूरा का पूरा इसका विवरण, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो एग्ज़ाम में। ठीक है ना, तो पहले तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इसका पूरा विवरण दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी प्रांत में कोविड 19 का पहला मामला पाया गया था? हुबई, यूनान, इंडिया या फिर हुआन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे तो आपको तो आ गया होगा। सो सिंपल, वुहान शहर। ठीक है, यहाँ से लॉन्च हुआ था चीन, यानी कि जो चाइना है, तो वहाँ वुहान सिटी है, तो वहाँ से ये कोविड 19 लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो वहीं आया था। हमारे इंडिया में तो 2020 में एंट्री मारी थी इसने, जबकि उधर तो अक्टूबर का 2019, नवंबर का 2019 बहुत ख़राब हो चुका था वहाँ का माहौल, बट हमारे यहाँ पर फरवरी मार्च तक एंट्री मारी है। नेक्स्ट, WHO ने ऐतिहासिक के तौर पर किसकी सिफारिश करी है? एक परिवार को इकट्ठा करना, क्लब जाए, शराब की उच्च सामग्री के साथ साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोए, पार्टी के लिए जाए, बताइए। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड का डिपार्टमेंट है। सो सिंपल, शराब की उच्च सामग्री के साथ साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है आपके, और कंपटीशन इतना हाई हो गया है गाइज, यानी कि आपको देख पा रहे जितने भी एग्ज़ाम होते कितनी हाईएस्ट परसेंटेज जाते, कट ऑफ जाती है। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एमसीक्यूज की, और वो हम आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे चैनल के थ्रू रोजाना। आपको तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है। हम सभी प्रटन द करू या कोविड 19 के दैनिक मामलों की संख्या को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, बताइए आपका क्या विचार है? हाथ धोना, दौड़ के लिए जाए, सोशल डिस्टेंसिंग और पैरासीटामोल नियमित रूप से ले, कौन सा सही है? कोविड 19 के मामले की संख्या कम हो जाए इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ, बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, भीड़ वाले क्षेत्र पर ना जाए, कम से कम 1 मीटर की दूरी तो बनाए रखे आप अगर किसी से मिलते भी हो। ठीक है ना, और वैसे आपको पता है कि 9 मास्क 9 एंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूरी है, तभी ये केस कम होंगे। अगला है, कोविड 19 प्रकोप के वायरस का क्या नाम है? वुहान वायरस, कोविड 19 वायरस या फिर MERS-CoV-2 या फिर SARS-CoV-2, बताइए। MERS की फुल फॉर्म तो पता है ना सबको, नहीं है तो बोल देना, पिछले वीडियो में हमने बता दिया इसका पूरा मतलब साइंस एम के चैनल पे। ठीक है, और जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है
वो हम हमारे साइंस एम के चैनल पर अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, रोजाना हम 3 वीडियो अपलोड करते हैं। आप अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें, रोजाना के 3 वीडियो अपलोड होते हैं, एक तो इस चैनल पर राइट, और एक होता है साइंस एम के चैनल पर जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और एक होता है जेकलोन जॉब चैनल पर। ठीक है, पता है नहीं है तो लिंक दे दिया दोनों चैनलों का, और तीसरा तो आपको देख रहे हो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आपको क्वेश्चन मिलते हैं रोजाना, तो उन चैनलों को भी जाके देख लेना अगर आपको और ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कोई भी कमी नहीं है हमारी तरफ से। COVID-19 प्रकोप के वायरस का क्या नाम है? आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा वन ऑप्शन। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका SARS-CoV-2 COVID-19। ठीक है, COVID-2 COV-2 राइट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सबसे व्यापक क्या है? एक प्रकोप, व्यापक रोग, एक महामारी, इनमें से कोई नहीं। सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी डिटेल से पढ़ाएंगे इसको भी देखना। एक महामारी, ठीक है, नेक्स्ट। क्वारंटाइन शब्द कहाँ से लाया गया है बताइए, कहाँ से आया ये शब्द? द नंबर 40, हीट रम क्विक, द फ्रैक्शन क्वार्टर, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज। कोरोना वायरस के काफ़ी सारे वीडियो हमने आपके लिए अवेलेबल करवा दिए, साइंस एम के चैनल पर भी है एक वीडियो, दो वीडियो, ठीक है, और इस चैनल पर भी करवा चुके हैं हम। जितना हो सक रहा है हम आपके लिए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए दे पा रहे हैं। आपको तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है, समझो आपका एडमिशन हो गया चैनल पर और रोजाना वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्वारंटाइन शब्द कहाँ से आया है? सो सिंपल ये आया है गाइज, द नंबर 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लक्षण दिखाने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए बताया गया, घर पर रहो, सेल्फ आइसोलेट, क्वारंटाइन, इनमें से कोई नहीं। लक्षण दिखाने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए बताया गया, बताइए। सो गाइज, सेल्फ आइसोलेट। ठीक है, नेक्स्ट, एक बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में फैल सकती है, स्टेनोटिक, हाइपनोटिक, जूनोटिक, इनमें से कोई नहीं। हर कोई बीमारी नहीं फैलती जानवरों से मनुष्य में, बट कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिजीज है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है राइट। सभी बीमारियां नहीं फैलती, नहीं तो जानवरों को तो बहुत सारी होती रहती है। अगर उसका हम दूध पीते हैं, है ना, घी खाते, बटर खाते, तो वो तो अपन में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, जानवरों के थ्रू, बट ऐसा नहीं है। जानवरों की बीमारी जानवरों में रहती है, इंसानों की इंसानों में, बट कुछ बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाती है। उनके ऑप्शन आपके लिए देवे, स्टेनोटिक, हाइपनोटिक या फिर जूनोटिक, क्या बोलते हैं उनको? सिंपल, जूनोटिक। ठीक, नेक्स्ट, WHO ने 11 फरवरी 2020 को उस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की जो 2019 के नोबल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। ऑप्शन आपके सामने, बताइए। सो सिंपल, COVID-19। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, नोबल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण है, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या फिर उपयोग सभी। ये तो लगभग सबको आना चाहिए, अगर नहीं आता ना तो इस वीडियो को 10 से 20 बार देख लेना, ये सजा है। सिंपल, उपयोग सभी। देखो, खांसी भी होती है, बुखार भी आता है और सांस लेने में तकलीफ भी होती है, ये लक्षण है कोरोना वायरस के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? क्राउन की तरह प्रक्षेपण, पत्ते की तरह प्रक्षेपण,
आयत की संरचना उपयोग में से कोई नहीं। सो सिंपल, क्राउन की तरह प्रक्षेपण, मुकुट जो होता है उसकी तरह दिखता है ये। अभी दिखाएंगे आपको, सब कुछ दिखाएंगे, यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे और कौन से जाति गण कौन सी फैमिली का है ना, सब कुछ दिखाएंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल पर आए तो सब कुछ क्लियर करना हमारा फ़र्ज बनता है। कोरोना वायरस से बचाने के लिए क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढके, हर घंटे अपने हाथ धोए, एंटीबायोटिक उपचार के लिए अपने चिकित्सक से मिले, अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करें। सो सिंपल, छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढके, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि मास्क लगाए रखना है ताकि आपको ना तो आपका थ्रू बाहर कुछ जा सके ना ही बाहर के वायरस आपके अंदर आ सके। ठीक है, ठीक, चलते आगे। कोरोना वायरस क्या है? वायरस के परिवार, नीडो वायरस का परिवार ए और बी दोनों सही है, केवल बी सही है। सिंपल, ए और बी दोनों सही है, यानी कि वायरस का परिवार और नीडो वायरस का परिवार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? SARS, MERS, ए और बी दोनों, ना तो ए और नहीं बी। सिंपल, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो SARS और MERS, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट इसका डिटेल अभी हम आपको बताएंगे, संरचना वगैरह, तो चलिए उसको थोड़ा सा देख लो ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। सो गाइज, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे इजीली, ये है आपका कोरोना वायरस, राइट, कुछ इस तरह का ये दिखता है, देख लिया। अब इसका वर्गीकरण हम कर लेते, देखो किस प्रकार से होता है। ये जो ग्रुप है ना, पॉजिटिव SSRNA, ठीक है, और अधिजगत कौन सा है इसका, देख लेते हैं, वायरस। पूछ ले जाता है क्वेश्चन आपसे, जगत की बात करें तो ये है राइबो वीरिया, ठीक है, संघ इसका अनिश्चित है, गण की बात करें तो वो है नीडो विरालिस, ठीक है, नीडो वायरस जिसको आप बोल रहे हो। कुल कोरोना फ्यूराडाई, ठीक है, तो इसके जगत अधिजगत की बात कर ली, जगत की बात कर ली, संघ गण कुल की बात कर ली, और इसके उपकुल की बात करें तो ये है और तो कोरोना वीरिनाए, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपका वंश, तो यहाँ पर इनका वंश है अल्फ़ा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस। ठीक, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और इसके बाद ये देखिए विकिपीडिया पर आपको मिल जाएगा, चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाले 2019 नोवल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरस का एक उदाहरण है, जिनका संक्रमण 2019-20 काल में तेज़ी से उभर कर 19-20 वुहान कोरोना जो वायरस प्रकोप के रूप में फैला है। हाल ही में WHO ने इसका नाम COVID-19 रखा है। और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणु यानी कि वायरस का एक समूह है जो हस्तधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। कोरोना वायरस क्या है? वायरस का एक समूह है जो हस्तधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह RNA वायरस होते हैं, देखो एक होता है DNA, एक होता है RNA, तो ये RNA वायरस प्रकार है, ठीक है। इनके कारण मानव में श्वास तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन पैदा हो सकता है, जिसकी गहनता हल्की जैसे सर्दी जुकाम से लेकर अति गंभीर जैसे मृत्यु तक हो सकती है। गाय और सुअर इनके कारण अतिसार हो सकता है, जबकि इनके कारण मुर्गियों के ऊपरी स्वास्थ्य तंत्र के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए कोई टीका या विषाणुरोधी यानी एंटीवायरल, बैक्टीरिया को तो मारने वाली होती है एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, और वायरल को मारने वाली होती है एंटीवायरल, अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, ठीक है, और उपचार के लिए
प्राणी की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर डिपेंड करता है। जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो वो तो इसे लड़ लेगा, उसको तो इन्फेक्शन नहीं होगा, बट जिसकी इम्यूनिटी शक्ति कम है तो उसको तो कोरोना होगा ही होगा। सो गाइज, आपको तरीके अपनाने चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। व्यायाम, योगा, अपने डाइट में अच्छे खासे न्यूट्रिशन आपको लेना चाहिए, ठीक है ना। जंक फूड से बचना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ सके। तो ये होती है आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली। अभी तक रोग लक्षण जैसे कि निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, ज्वर आदि का उपचार किया जाता है ताकि संक्रमण से लड़ते हुए शरीर की शक्ति बनी रहे। क्योंकि पेशेंट को एडमिट किया जाता है कोरोना वायरस को, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो वो डिहाइड्रेशन, ज्वर, ठीक है, और आपको पता है कि मलेरिया की जो मेडिसिन उनको दी जा रही है ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो इस प्रकार उनको दिया जाता है। अभी तक कोई भी दवाइयाँ और वैक्सीन नहीं बने हैं और दिखने में ऐसा दिखता ही है, देखो, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है इस छोटी सी चीज़ ने, जो आंखों से दिखता भी नहीं है, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप से फोटो ली गई है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में इस तरह का दिखता है ये, और इसका रूप रंगीन डायग्राम में ये किया हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो देखिए क्या होता है, वैक्सीन आती है या नहीं। वेयर तो रिसर्च तो कर रही है दुनिया, और इससे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। साइंस एम के चैनल पर भी आपको अगर फ़ायदा लेना है क्वेश्चन करने, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लो, वहाँ पर भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। ओके, धन्यवाद।